नगर निगम भिलाई में साफ सफाई का ठेका समाप्त हो गया है और तत्कालिक ठेका कंपनी पीवी रमन ब्लैकलिस्ट भी हो गई है। बावजूद इस कंपनी को 3 माह का अतिरिक्त प्रभार देने को लेकर विपक्षी दल ने आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। निगम भिलाई की सफाई ठेका कंपनी पीवी रमन को स्कोप ऑफ वर्क के तहत निगम भिलाई के वार्डों की सफाई का कार्य करने के लिए ठेका दिया गया था, जो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के लिए था, परंतु अब नगर निगम भिलाई के द्वारा वार्डों की सफाई कार्य के लिए इसी कंपनी को 3 माह का ठेका और प्रदान कर दिया गया है, जबकि यह कंपनी अन्य जिले के नगर निगम से ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है। बावजूद इसके इस कंपनी को पुनः ठेका देने से आक्रोशित निगम भिलाई के विपक्षी दल के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की है। कमिश्नर साहब को जो समान सभा हुआ था उसमें जो एक प्रस्ताव आया था कि ये मतलब टेंडर हुआ सफाई को लेके, उसमें उस कंपनी को 3 महीना का एक्सटेंशन कर, हमने नगर निगम में उस पटल पे भी विरोध किया कि भाई उस संस्था को क्यों दे रहे हैं जिसने ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी, मतलब उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि आजकल एक टेबल पर मतलब ये हो गया रजिस्ट्रेशन, सभी का मतलब PWD में रजिस्ट्रेशन करना। अगर उस संस्था पूरे छत्तीसगढ़ में काम करेगा तो कोई भी संस्था अगर किसी भी फर्म में किसी भी नगर निगम में ब्लैक लिस्टेड होता है तो उसको नियमता से नहीं देना चाहिए, ये हमारा विरोध है। और दूसरा, क्योंकि जब ठेकेदार को देंगे तो 18 लाख 17 लाख का नगर निगम जब पेमेंट करता है तो उसी 1 महीना के काम में 24 लाख रुपये ठेकेदार को दे रहा है, तो हम नगर निगम के क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं और ऐसी पेमेंट के लाले पड़े हैं, 3-3 महीना 2-2 महीना लोगों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा, वो कर्मचारी हम पार्षदों के बीच में आके भाई काम तो आप कराते हो लेकिन हमारी पक्ष में ना बात करते हो, तो उनका भी एक वेदना कि भाई हम नगर निगम में पैसा कम से कम बचाए, उस लिए कमिश्नर के पास हम लोग आए। तो कमिश्नर का तो आप लोग देखे कमिश्नर जी का क्या मतलब रुतबा था, कि मतलब जितना उनको जानकारी के इसमें था उन्होंने कमिश्नर मतलब एकदम भाव से बोल रहा था कि कैसे करेंगे भाई, इससे पहले हुआ। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब आप जान रहे हो कि ये 3 महीना एक्सटेंशन करने की क्या जरूरत है, जब वो टेंडर 31 दिसंबर को खत्म होना है तो 3 महीना पहले वो प्रक्रिया करना था, आपको किसने रोका? मतलब जानबूझकर MIC और मेयर और शायद नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी लोग मिली भगत क्योंकि उस संस्था को प्रॉफिट दिलाना चाहते हैं, ये इसलिए हम भाजपा वाले उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हुए लोगों को, क्योंकि सदन में उनका बहुमत है, हाँ आप लोग भी जानते हो कि उसमें मतलब बहुमत के आधार पर पास कर लिए, तो हम भी जानते हैं भाई ठीक है बहुमत है उनका, लेकिन हमारा जो दायित्व है कमिश्नर, ऐसे भी सामान्य सभा का जो प्रस्ताव पारित होता है उसको कमिश्नर बाध्य नहीं है उसको करना है, क्योंकि अगर लगता है कि उनको कि ये है तो उसको मतलब कलेक्टर शासन को भेज सकता है, क्योंकि अगर पैसा बचने का इसमें है तो कमिश्नर जी को आज हमने ज्ञापन दिया है और उसको ये बोला गया है कि भाई आप इस पर विचार कीजिए, क्योंकि पैसा का मामला है, आर्थिक का मामला, और ऐसी भिलाई नगर निगम अभी आर्थिक के दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। वहीं इस पूरे मामले में निगम आयुक्त रोहित व्यास से जब मीडिया ने जानकारी मांगी तो निगम आयुक्त ने कहा कि भाजपा के पार्षदों ने जो उन्हें ज्ञापन दिया है उनके बिंदुओं पर गौर किया जाएगा, फिलहाल वार्डों की सफाई में किसी प्रकार की दिक्कत न आए इसलिए इस कंपनी को 90 दिनों के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं और इसी सप्ताह सफाई के लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे। उनकी मुख्य रूप से शिकायत थी कि जो अभी ठेका कंपनी है उसको धमतरी में ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उसको आगे ठेका नहीं दिया जाए, तो अभी हम लोग नया टेंडर निकाल रहे हैं, इस सप्ताह में टेंडर फ्लोट भी हो जाएगा, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छे फर्म्स आएंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारी सहायता करेंगे। इसको जो इनके पॉइंट्स आए हैं उसको एक बार मैं परीक्षण कर लूँगा और जो बढ़ाया गया है वो सिर्फ टेंडर अवधि के लिए बढ़ाया गया है कि नया टेंडर जब तक आ रहा है तब तक सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसके लिए बढ़ाया गया है। रहा सवाल कलेक्टर दर पे करने का, तो अभी तक हम लोगों ने नवंबर माह तक का भुगतान किया है सफाई कर्मचारियों को, तो जैसे निगम में आवक होती है तभी हम लोग अगले महीनों का भी भुगतान कर पाएंगे, जो ठेकेदार रहता है वो 1 महीने एडवांस भुगतान करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उस मोड में जाते हैं कलेक्टर दर वाले में तो वहाँ पर हम लोग को जब तक राजस्व प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, तो इसीलिए ये आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था में प्रभावित नहीं हो, उसी के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है, पर ये सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए, जैसे नया टेंडर आ जाता है उनकी समय हम लोग समाप्त कर देंगे। सफाई का ठेका समाप्त होने के उपरांत सामान्य सभा में यह बात उठाई गई थी कि कलेक्टर दर पर निगम ही अपने वार्डों की साफ सफाई का कार्य करवाएगा, परंतु ऐसा न करते हुए पुनः तात्कालिक सफाई ठेका कंपनी को 3 माह का ठेका दे देना विपक्षी दल के पार्षदों के गले से नहीं उतर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।